हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखो। कंसिडर टू पॉइंट्स पी एंड क्यू विद पोजिशन वैक्टर्स ओ पी इज इक्वल टू 3a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर एंड ओ क्यू वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी। फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, यह किस तरह करना सी क्वेश्चन। यह देखो, एक पॉइंट हो गया पी, एक पॉइंट हो गया क्यू। पी दे जड़े सानू वैक्टर यानी पोजिशन वैक्टर ओ पी दिता हुआ वै, कोई ओ पॉइंट होएगा ना, मान लो इधर आ जाए कितने भी कोई कोई ओ पॉइंट है, तो वो रिलेट करके ये ओ पी वैक्टर बनेगा। वो वैक्टर सानू दिता हुआ वै, ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू 3a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर एंड ओ क्यू वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी। तो असी पोजिशन वैक्टर ऑफ आर फाइंड आउट करना है। यह मान लो आर है विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पी की इन द रेशो 2:1 इंटरनली। ठीक है, लेट आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो 2:1 देयरफोर ओ आर वैक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर कर लिया आप, ओ आर वैक्टर कि बराबर आ जाएगा। हूँ तुम्हें पता है कि 2 असं क्यू के वैक्टर मल्टीप्लाई करा, यानी 2 हो जाएगा 2 वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस 1 3a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर ओवर आ जाएगा 2+1। तो ओ आर वैक्टर थोड़ा निकल आएगा 2a वैक्टर प्लस 2b वैक्टर प्लस 3a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर ओवर 3। तो यह 2b वैक्टर ना 2b वैक्टर कैंसल हो गया, ये थोड़ा आ गया बेटे 5 वैक्टर a ओवर 3। यह तुहाडा निकल आया जिहड़ा आर वैक्टर है, जदों वो उसनू इंटरनली बाइसैक्ट कर रहा ही, इंटरनली बाइसैक्ट वैक्टर जो वैक्टर कोआर्डीनेट्स वह की आ गए 5 वैक्टर a ओवर 3। हूँ आप निकालेंगे जदों वो उसनू एक्सटरनली डिवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, जो उसनों एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, हूँ एक्सटर्नली डिवाइड बच की करना है, सेम क्वेश्चन उस तरह निकालेंगे, पर उसनों की कर देना, उसनों की करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, हूँ ये सेम इस तरह करना, पर करना की है माइनस कर देना। हूँ इतने लिख लो लैट वैक्टर आर डिवाइड्स वैक्टर पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। फिर ओ आर वैक्टर कि बराबर आ जाएगा सेम उस तरह, पर इतने प्लस की जगह की लग जाना हूँ माइनस लग जाएगा 1 3a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर ओवर 2-1। इन सॉल्व करांगे की आ जाएगा, ये आ गया 2 वैक्टर a प्लस 2 वैक्टर b माइनस 3 वैक्टर a प्लस 2 वैक्टर b ओवर 1। इन सॉल्व करो, 2a वैक्टर माइनस 3a वैक्टर बन गया माइनस वैक्टर a प्लस 4b वैक्टर, ये आ गया आंसर। ठीक है, यह जो एक्सटर्नली उसनों डिवाइड कर रहा वो आंसर बन गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 12। शो दैट द पॉइंट ए 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, बी वैक्टर जोड़ा दिता हुआ आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, तो सी वैक्टर जोड़ा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप आर दी वर्टिसिज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। हूँ याद की रखना आप कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसिज कदों होंगे, ए बी सी जड़े हैं
हूँ सानू यह नहीं पता कि बी एंगल जोड़ा वै 90 डिग्री का वह कितने बनना ए पॉइंट से बी तो सी तो वह सानू नहीं हले पता ठीक है वो बाद च डिसाइड करांगे पर एदा रूल की हुंदा वै राइट एंगल ट्रैंगल प्रूव करना हो अगर पॉइंट गिवन हो असी उन्हूं प्रूव कर सकते हैं डिस्टेंस पहले असी साइड्स निकालांगे क्योंकि यह पॉइंट गिवन है शो दैट द पॉइंट्स तो लिखा है इन्होंने कि यह पॉइंट्स है ठीक है तो यह पॉइंट्स है तो पॉइंट दिते हुए तो साइड्स असी निकालांगे साइड्स निकालांगे तो फिर की हुंदा वै हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर कर देंगे चेक करांगे कि वह बराबर आ गया अगर बराबर आ गया तो फिर राइट एंगल ट्रैंगल है अगर नहीं आया तो राइट एंगल ट्रैंगल नहीं है तो इस तरह फिर लिख लो लैट इनू सीधा भी तुसी लिख सकते हो लैट ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इस तरह ओ बी वैक्टर तड़ा आ गया आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप ओ सी वैक्टर तड़ा आ गया थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस फोर के कैप ये तड़े आ गए पोजिशन वैक्टर्स ठीक है ए बी सी हूँ आप निकालनी है साइड्स पहले निकालिए ए बी वैक्टर ए बी वैक्टर का मतलब हो गया ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर यानी कि पिछले वाला पॉइंट पहले लैना है अगे वाला बाद ठीक है ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर तो ये चो माइनस कर दो ये बन गया टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप सिंप्लीफाई करो हाँ जी ए बन गया टू आई माइनस आई आई कैप माइनस जे प्लस थ्री जे बन गया प्लस टू जे कैप ते प्लस सिक्स के कैप ए आ गया तड़ा ए बी वैक्टर इतने आप गड़बड़ की करने हैं असी ओ ए वैक्टर चो ओ बी वैक्टर घटा गए हैं ये अगे फिर माइनस लगा दो क्योंकि असी ओ ए चो ओ बी घटाया ठीक है इतने माइनस लगा दो अगे सारे ब्रैकेट के अगे यानी कि यह तड़ा दिस इज इक्वल टू आ गया माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस सिक्स के कैप नैक्सट असी बी सी वैक्टर निकालना है ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर पहले हूँ ओ सी वैक्टर लिखो थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस फोर के कैप माइनस आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप मैं नाल ही निशान बदलते माइनस कर लो ये आ गया तेरे को टू आई कैप माइनस जे कैप तो प्लस के कैप यह बन गया तुहाडा बी सी वैक्टर हूँ निकाल लो सी ए वैक्टर यानी कि ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ए सी वैक्टर माइनस करांगे माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप तो प्लस फोर के कैप ए आ गया टू आई माइनस थ्री आई हो गया माइनस आई कैप प्लस थ्री जे कैप ते प्लस फाइव के कैप ठीक है यह तीनों वैक्टर साढ़े को नहीं निकल आए तीनों साइड्स निकल आई हैं तो हूँ आप निकालना मैगनीच्यूड मैगनीच्यूड ऑफ वैक्टर ए बी इज इक्वल टू एक बराबर आएगा स्केयर रूट ऑफ माइनस वन द स्केयर प्लस माइनस टू द स्केयर प्लस माइनस सिक्स द स्केयर इनू सिंपलीफाई करो ये आ गया एक जमा चार जमा छत्ती यानी कि अंडर रूट फोर्टी वन आ गया ये आ गया तड़ा ए बी वैक्टर नैक्सट निकाल लो बेटा मॉडुलस ऑफ बी सी वैक्टर मॉडुलस ऑफ बी सी आ जाएगा टू स्केयर प्लस माइनस वन द स्केयर प्लस वन द स्केयर ये आ गया तड़े को चार जमा एक यानी कि अंडर रूट सिक्स आ गया हूँ मॉडुलस ऑफ वैक्टर सी ए ये आ जाएगा माइनस वन द स्केयर प्लस थ्री द स्केयर तो प्लस फाइव द स्केयर ये आ गया एक जमा नौ जमा पच्ची नौ तो एक दस तो पच्ची कि हो गया पैंती अंडर रूट पैंती हूँ देखो ए मॉडुलस ऑफ ए बी स्केयर इज इक्वल टू अंडर रूट फोर्टी वन द स्केयर इज इक्वल टू आ गया फोर्टी वन तो बी सी स्केयर कि आ गया
वो आ गया अंडर रूट सिक्स द स्क्वायर, यानी कि सिक्स आ गया। मॉडुलस ऑफ सी ए स्क्वायर आ गया अंडर रूट 35 द स्क्वायर, वो आ गया 35। तो सानू पता 35 जमा 6 41 होंगे, ठीक है ना। इतों सानू पता लग गया कि ए बी मॉडुलस ऑफ ए बी स्क्वायर जड़ा है वो मॉडुलस ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर दे बराबर है। देयरफोर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ए बी सी जड़ी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जड़े हैं ऐसे तरीके नाल कर लेने हैं। नेक्स्ट देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज जी 10.2 का क्वेश्चन है। द टू वैक्टर्स जे कैप प्लस के कैप एंड 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए टू साइड वैक्टर्स वैक्टर ए बी एंड वैक्टर ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी ए साइड वैक्टर हो गए ए बी ते ए सी। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, मतलब ए तो जो मीडियन ड्रॉ किया गया वो असी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए डी थ्रू ए, ए डी इज द, ए डी इज द मीडियन थ्रू ए, ऐसे सपोज कर लिया कि ए डी मीडियन हैगा थ्रू ए। तो मीडियन की होंगे मीडियन जड़ा वा ओपोजिट साइड नू बाइसैक्ट करता है, याद रखना मीडियन ओपोजिट साइड नू की करता है बाइसैक्ट। इहदा मतलब देयरफोर डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी की हो गया बी सी का मिड पॉइंट, इहदा मतलब हो गया बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इहदा मतलब बी डी वैक्टर इज इक्वल टू डी सी वैक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी वैक्टर होएगा। हुण सानू ए बी वैक्टर ते ए सी वैक्टर जिहड़े आ उह गिवन है, ठीक है। इहदा मतलब असीं बी सी वैक्टर जिहड़ा उह फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी दे विच हुण सानू पता ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर यह कि बराबर होंगे। देखो ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर का मतलब डायरेक्शन यदि इस साइड में गई ना बी बी टू सी, बी सी वैक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि यह डायरेक्शन जी ओपोजिट साइड से होनी चाहिए, यह दोनों सेम साइड से आ रही डायरेक्शन, यह डायरेक्शन ओपोजिट साइड से होगी इज इक्वल टू कि बराबर हो जाएगा ए सी वैक्टर के। यहाँ मतलब बी सी वैक्टर साढ़ा कि बराबर आ गया ए सी वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर। बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, सानू तो ए बी वैक्टर दोनों की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। ए सी वैक्टर जड़ा है पहले लिख लीए, ए बी वैक्टर जड़ा बेटा वो दिता हुआ है जी कैप प्लस के कैप, तो ए सी वैक्टर है 3i कैप। हाँ जी बेटा, ए बी वैक्टर है वैक्टर जे प्लस वैक्टर के, ए सी वैक्टर है 3i कैप माइनस जे कैप, ठीक है। आप निकाल रहे सी बी सी वैक्टर, ए सी तो ए बी की वैल्यू जी ये पुट कर दो, 3i कैप माइनस जे कैप माइनस ए बी वैक्टर की वैल्यू है जे कैप प्लस के कैप, यह आ गया 3i कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, यह बन गया बेटा थोड़े को 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप, यह आ गया थोड़ा बी सी वैक्टर, ठीक है। असी सानू कहड़ा चाहिए हाफ बी सी वैक्टर चाहिए, हाफ ऑफ बी सी वैक्टर की हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप। हुण आपां निकालना की है, आपां निकालना है ए डी वैक्टर की लेंथ निकालनी, मीडियन जड़ा ए डी है ओदी की निकालनी है। हाँ जी नैक्सट देखो बेटा, असी निकालना ए डी वैक्टर, हुण आपां ट्रायंगल जड़ी है वह यूज़ कर लाँगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी। हुण ए बी डी दे विच ध्यान ना देखो, ए बी डी वैक्टर च ए डी वैक्टर ए हो गया ए डी वैक्टर, यानी ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर कि बराबर हो जाएगा ए डी वैक्टर के। इन आप लिख सकते हैं ए डी वैक्टर इज इक्वल टू
ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर, ठीक है। उस तरह भी वैक्टर फॉर्म से ध्यान ना, देखो ए डी वैक्टर लिख रहे हैं तो ए बी तो खत्म होया, तो बी तो शुरू होकर डी तक खत्म हो गया, ठीक है। तो लास्ट से जो बचा वो बच गया ए डी वैक्टर। हूँ ए बी वैक्टर भी सानू पता है, तो बी डी वैक्टर की है, बी डी वैक्टर असं लिखा सी हाफ ऑफ कि बी सी वैक्टर के, ये आ जाएगा ए बी वैक्टर प्लस हाफ ऑफ बी सी वैक्टर। ए बी वैक्टर की वैल्यू लगाओ जे कैप प्लस के कैप प्लस हाफ ऑफ बी सी वैक्टर, यानी हाफ ऑफ आ जाएगा थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप। हूँ इतने की है इनू सिंपलीफाई करने लिए तुम एलसीएम लै लो, एलसीएम लैके ज़्यादा सौखा निकल जाएगा, ठीक है। एलसीएम आ गया टू, ये आ गया टू जे कैप प्लस टू के कैप प्लस थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप, इनू सिंपलीफाई कर लो। टू जे हूँ आई वाला है नहीं, इस करके आई कला आ गया थ्री आई कैप, टू जे कैप ना टू जे कैप कैंसल हो गया, टू के कैप माइनस के कैप की बच गया प्लस ये बच गया माइनस के कैप, जे कैप प्लस के कैप थ्री आई कैप माइनस हाँ बेटा आ तड़ा जड़ा वैक्टर सी यह सी थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप, इतने आना सी प्लस फोर के कैप आना ही ना, इतने आप गड़बड़ कर गए, इतने प्लस फोर के कैप ना लिखना है क्योंकि वह प्लस ही होना है, ए सी वैक्टर इतने आ जाएगा प्लस फोर के कैप प्लस फोर के कैप, फोर माइनस वन हो गया थ्री के कैप, यानी इतने थ्री आना है थ्री के कैप, ठीक है। इतने ठीक कर लो थ्री के कैप, यह बन गया थ्री के कैप, थ्री टू माइनस थ्री कितना हो गया, यह बन गया प्लस, प्लस का आना प्लस थ्री के कैप आना ताडा प्लस थ्री के कैप प्लस थ्री के कैप, थ्री आई कैप प्लस टू प्लस फाइव के कैप ओवर टू, यानी ये वैक्टर बन गए थ्री बाय टू आई कैप प्लस फाइव बाय टू के कैप, जे कैप जरा सी वो ख़त्म हो गया, ठीक है। आपां निकालना की है ए डी वैक्टर का मैगनीच्यूड, यह निकल आया जरा ए डी वैक्टर, पर आपां निकालना की है मैगनीच्यूड, मैगनीच्यूड ऑफ ए डी वैक्टर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ थ्री बाय टू द स्केयर प्लस फाइव बाय टू द स्केयर, यह आ जाएगा नाइन बाय फोर प्लस 25/4। एलसीएम कितना आ गया 4, ये आ गया 9 जमा 25 कितना हो गया 34, अंडर रूट 34 आ गया, बटा आ गया 2 क्योंकि 4 का स्केयर रूट आया ना 2, इन्ने यूनिट्स की हो गया ए डी जिहड़ा वैक्टर है उहदी की होगी ये लेंथ, ठीक है। उस तो नैक्सट देखो नैक्सट बेटा थोड़ी मिसलेनियस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है, फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू हूज पोजिशन वैक्टर्स आर दिस एंड दिस एक्सटरनली इन द रेशियो 1:2, यानी कि जोड़ा आर वैक्टर है, वैक्टर आर जोड़ा है पी क्यू वैक्टर न एक्सटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी आर तो पी तक की रेशो जी 1 है, आर तो जी क्यू की रेशो जी वह 2 है, एक्सटरनली उन्होंने डिवाइड कर रहा। तो आप निकालना पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट आर, आर के पोजिशन वैक्टर असी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आर के पोजिशन वैक्टर जो असी फाइंड आउट करने हैं तो पी तो क्यू के पोजिशन वैक्टर जोड़े सानू गिवन है, पोजिशन वैक्टर ऑफ पी यानी कि ओ पी वैक्टर ए गिवन है सानू 2 ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, तो इस तरह ओ क्यू वैक्टर यह दिता हुआ वैक्टर ए माइनस थ्री बी वैक्टर। आर के पोजिशन वैक्टर आप निकालने हैं तो आर जरा उन्हें क्या हुआ डिवाइड कर रहा इन द रेशो 1:2 एक्सटरनली, ठीक है। एज आर डिवाइड्स
पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। यदा मतलब हो गया 2 दे अगे तुसी माइनस लगा दोगे, ठीक है ना, क्योंकि इसी दोनों नो माइनस करना है, तो ओ बन जाएगा आर दे कोऑर्डिनेट की आ जाएंगे, यानी कि ओ आर दे पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू की बन जाएगा, हूँ ध्यान ना देखो जड़ा 1 है उन्होंने असी क्यू ना मल्टीप्लाई करांगे, जड़ा 2 है उन्होंने पी ना मल्टीप्लाई करांगे, 1 नो असी कितना करना क्यू ना, 1 इंटू वैक्टर ए माइनस 3b वैक्टर माइनस 2 इंटू 2a वैक्टर प्लस वैक्टर बी ओवर कि आ जाएगा 1 माइनस 2। एनू सिंपलीफाई कर लो, ये आ गया वैक्टर ए माइनस 3b वैक्टर माइनस 4a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर ओवर आ गया बेटा 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, ए बन गया वैक्टर ए माइनस 4a वैक्टर बन गया माइनस 3 वैक्टर ए माइनस 3b वैक्टर माइनस 2b वैक्टर बन गया माइनस 5 वैक्टर बी ओवर माइनस 1। माइनस नो एडजस्ट कर दो, माइनस ऊपर ले जाएंगे तो दोनों रकमें पॉजिटिव बन जाएंगी, या ये सोच लो कि माइनस दोनों चो कॉमन निकाल लो, 3a वैक्टर प्लस 5b वैक्टर ओवर माइनस 1 ये कैंसल हो गया, दोनों पॉजिटिव आ गए, यानी कि ओ आर वैक्टर जड़ा है वो आ गया तुहाडे को 3a वैक्टर प्लस 5b वैक्टर, ये बन गया तुहाडा पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट आर। आलसो शो दैट पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सैगमेंट आर क्यू। हूँ असी शो करना वै कि पी जड़ा वै वो आर क्यू का मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो इन्हों दोनों की रेशो की हो जाएगी सेम होएगी, ठीक है ना, अगर रेशो सेम है असी सपोज करके चलते हैं कि यह मिड पॉइंट हैगा, तो फिर देखते हैं कि पी वैक्टर उही वाला आ गया जो गिवन सी, अगर वो सेम आ जाता इहदा मतलब कि पी की होएगा मिड पॉइंट होएगा, ठीक है। इफ पी इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू दैन ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैक्टर जड़े आ इन्हों का की आएगा सम आएगा, एक आर वैक्टर का तो क्यू वैक्टर का सम ओवर कि कर देना 2। हूँ तुहाडा ओ आर वैक्टर तुहानू पता है 3a वैक्टर प्लस 5b वैक्टर है प्लस ओ क्यू वैक्टर जड़ा है वह है वैक्टर ए माइनस 3b वैक्टर ओवर 2। इनू सिंपलीफाई करो, इनू सिंपलीफाई करांगे तो की आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा यह आ गया तुहाडे को 3a वैक्टर प्लस ए वैक्टर, यह आ गया तुहाडे को 4 वैक्टर ए, यह बन गया प्लस 2b वैक्टर ओवर 2। तो इनू सॉल्व कर लो, तो यह सॉल्व करांगे 2 कॉमन आ गया, दोनों चो 2 कॉमन आ गया, तो यह बन गया 2 इंटू 2a वैक्टर प्लस वैक्टर बी ओवर 2। 2 ना 2 कैंसल हो गए, तो यानी कि तुहाडा ओ पी वैक्टर जड़ा है ओ पी वैक्टर वो आ गया तुहाडे को 2 वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी विच इज़ ट्रू, ओ पी वैक्टर तुहाडा यही ये बराबर ही है 2 वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, तो यही तुहाडे को सेम आ गया, ओ पी वैक्टर भी यही आ गया, इहदा मतलब पी की हो गया मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। नैक्सट है बेटा शो दैट द डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए वैक्टर इक्वली इनकलाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर 1/√3 1/√3 1/√3। मतलब उन्हें क्या शो दैट द डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए वैक्टर, किसी एक वैक्टर कोई एक वैक्टर है जोड़ा इक्वली इनकलाइन करता पाया, ठीक है ना, आ एक्सिस के उपर कि एक्सिस के उपर ओ एक्स ओ वाई तो ओ जैड कोई वैक्टर है, ठीक है, ओ यानी कि इन्हों के उपर असं ले लें ओ ए वैक्टर दैट इज़ इक्वल टू वैक्टर ए, वो इक्वली इनकलाइंड यानी कि इक्वल एंगल बना रहा एक्स एक्सिस ना भी वाई एक्सिस ना भी तो जैड एक्सिस ना भी, और जोड़े वो डायरेक्शन को साइनस हो गए वह जो गिवन है वह यह हो, ठीक है। असं सपोज कर लें लैट वैक्टर ए यानी कि पोजिशन वैक्टर ए हो गया ओ ए वैक्टर, क्योंकि देखो ओरिजिन तो जा रहा है, इनू असं सपोज कर लिया वैक्टर ए दे बराबर है, और कंपोनेंट्स पे ले ले ए वन आई कैप प्लस
ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। उन्होंने क्या हुआ कि इक्वली इंक्लाइंड है, यानी मतलब इन्होंने डायरेक्शन रेशोज की होंगे सेम है। तो उन्होंने उन्हें दिता हुआ कि डायरेक्शन को साइन जड़े है बनेंगे, ठीक है। असी सपोज कर लें लैट ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री इज इक्वल टू ए दे बराबर है। हम वैक्टर ए का एंगल जरा अस बनाने एक्स एक्सिस में, हाँ जी बेटा, यह जोड़ा है तोड़ा इक्वली इनकलाइंड हो रहे हैं। तो असी सपोज कर लिया कि ए वन ए टू तो ए थ्री डायरेक्शन रेशियो जोड़े तिना के सेम है, वो की हो गए ए दे बराबर है। तो हूँ असी मैगनीच्यूड निकालेंगे, तो यद मतलब वैक्टर ए जोड़ा है वो यही बन गया। ए नहीं लैना तो तुम कुछ होर लै सकते हो, क्योंकि इतने भी वैक्टर ए लिया वै इन तुम ले लो पी ले लो, ठीक है। सपोज कर लो कि ये पी दे बराबर है, यदा मतलब वैक्टर ए जड़ा तड़ा बन गया पी आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस पी के कैप प्लस पी के कैप। हूँ यदा मैगनीच्यूड देखो, मैगनीच्यूड ऑफ वैक्टर ए की आ जाएगा दैट इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस पी स्केयर प्लस पी स्केयर। यह बन गया तड़े को अंडर रूट थ्री पी स्केयर, ये आ गया अंडर रूट थ्री पी, अंडर रूट थ्री पी। हूँ यूनिट वैक्टर निकाल लो, यूनिट वैक्टर कि बराबर होंगे वैक्टर ए ओवर मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए, क्योंकि जो आप निकालने डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं तो वह ही फार्मूला ना डायरेक्शन को साइंस कढ़न का, कि जड़ा भी वैक्टर है उन्होंने असी मॉडुलस के नाल डिवाइड कर देने तो डायरेक्शन को साइंस निकल आते हैं। तो यह बन गया तेरे को ए वन आई कैप, ए वन असी पी दे बराबर मान लिया, वो बन गया पी आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस पी के कैप ओवर अंडर रूट थ्री पी। इन्हों चो पी कॉमन आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ओवर अंडर रूट थ्री पी, पी ना पी कैंसल हो गया। यह बन गया बेटा वन ओवर अंडर रूट थ्री आई कैप प्लस वन ओवर अंडर रूट थ्री जे कैप प्लस वन ओवर अंडर रूट थ्री के कैप। देयर फोर आ बन गए डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि जो असी इनू यूनिट वैक्टर जो निकाल लिया मॉडुलस ए ना जो डिवाइड करता तो फिर वो डायरेक्शन कोसाइन बन गए। पहले नहीं तो डायरेक्शन रेशियोज जोड़े से सिंपल यही सके जो कंपोनेंट्स है, ठीक है। आई वन ए सॉरी ए वन ए टू ए थ्री ये जोड़े से डायरेक्शन रेशियोज से, जो आप मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए ना डिवाइड करता ओ बन गया डायरेक्शन कोसाइंस। देयर फोर हूँ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वैक्टर ए आर ही बन गया वन बाय अंडर रूट थ्री, वन बाय अंडर रूट थ्री एंड वन बाय अंडर रूट थ्री। यह इक्वल इनकलाइंड हो गए, ठीक है ना, क्योंकि इन्हों का एंगल जरा सेम बन गया। देयर फोर कोसाइंस ऑफ अ वैक्टर ए कोसाइंस ऑफ ए वैक्टर ए इक्वली इनक्लाइंड टू द एक्सिस, टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, ठीक है। उन्होंने यह इक्वली इनक्लाइंड होएगा।